हेलो एंड वेलकम टू टुडेज़ ब्लॉग गाइस। आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बंदा दो दिन आता है फिर गायब हो जाता है, फिर क्या हो जाता है ऐसा इसको। तो हर बार यार हर बार अलग अलग रीजंस रहते हैं, उसकी वजह से मेरा मन कभी कभी तो मन ही नहीं करता। मैं ऑनेस्टली बोलूँगा मन नहीं करता वीडियो बनाने का, तो मैं नहीं बनाता। क्योंकि मैं ये नहीं कि भाई कुछ भी बोल दिया डाल दिया अपलोड कर दिया, तुम लोग गालियाँ दे रहे हो ये सब हो रहा है, वो नहीं चाहिए अपने को। तो जो ऐसा मन से आता है वही बोलता हूँ मैं इस पर, और वही होता रहेगा। अगर बीच में 15 दिन का भी ब्रेक लेना पड़ गया इशू नहीं है, वो ले लेंगे। तो पहले मैं कल वीडियो बनाने वाला था। कल जब मैंने शूट करना मतलब जैसे स्टार्ट किया, फिर उसके बाद मैं कल बात कर रहा था कि कैसे मेरे को आजकल ऐसा GTA 5 का एडिक्शन हो रखा है। मैं घर पे PS3 पे वही खेलता रहता हूँ। और ऐसा हुआ कि मैंने कैमरा जैसे ही वहाँ पे लगाया और मैं वो शूट कर रहा हूँ GTA 5 खेलते खेलते, मैं भूल ही गया कि कैमरा वहाँ लगा और मैं खेलता रहा, और वैसे ही रात हो गई। मैंने कहा चलो भाई अब अपना टाइम पास कर रहा हूँ और क्या। और एक मेजर रीज़न और था मेरा दो तीन दिन तक ऐसा वीडियो ना डालने का, वो मैं आपको बताता हूँ एक मिनट। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि मैंने एक और मेजर रीज़न था जिसकी वजह से मैंने दो तीन दिन अभी वीडियो नहीं बनाई। वो ये था यार, एक बंदा यहाँ से बोल रहा है कि मतलब डिप्रेशन को कैसे ट्रीट करें, एक यहाँ से बोल रहा है कि तुम्हें अपने दोस्तों से बात करनी चाहिए, यहाँ तक कि वो लोग, और ये मेरा ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वो लोग जिन्होंने मेरे से पर्सनली कभी ढंग से बात नहीं की, जो मतलब मेरे बहुत अच्छे दोस्त होते हुए भी कभी ढंग से बात नहीं की, कभी ये नहीं पूछा कि यार तेरी प्रॉब्लम क्या है, बट वो लोग भी आज अपना नंबर डाल रहे हैं इंस्टाग्राम पे स्नैपचैट पे कि भाई ये मेरा फ़ोन नंबर है, यहाँ पे मुझे कॉल कर लो कभी सारे। भाई तुम अपना दिमाग लगाओ, ये कोई बात है बोलने वाली कि भाई कोई भी। अब अगर मैं थोड़ा सा लो फील कर रहा हूँ, मैं अपने मॉम डैड को कॉल करूँगा, मैं अपने दोस्तों को कॉल करूँगा जितने भी अच्छे वाले हैं, या अपने क्लासमेट्स को, इन सबको कॉल करूँगा। मैं किसी स्ट्रेंजर को जिसने अपने इंस्टाग्राम पे नंबर डाल रखा उसको क्यों कॉल करूँगा भाई। हाँ भाई, भाई ने बोला था कि यार फ़ोन नंबर डाल दिया कॉल कर लेना, वो वैसे नहीं चलता है। और ये आपको आज ही कैसे याद आ गया, तुम शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो किसी की डेथ को ऐसा सेंसेशनलाइज कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए, कसम से शर्म आनी चाहिए। और ये सब कोई इधर से ये बोल रहा है उधर से बोल रहा है, ये सब चल रहा था इसी चक्कर में ना मेरा मन ही नहीं किया मेरे को, क्योंकि अगर मैं आता बोलता तो मुझे कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ता उनमें, तो मैं उसमें मानता ही नहीं, तो मैं करूँगा ही नहीं। जो हुआ वो बेचारा वो बंदा यार वो चला गया, उसको तो तुम ऐसा मत करो ना, बस यही था, तो छोड़ो। और आज मैं ये ऐसा नया सा ट्राईपॉड टेस्ट कर रहा हूँ, तो भाई अगर मतलब फ्रेम ऐसे टेढ़ा मेढ़ा मुझे भी लग रहा है थोड़ा तो है, तो अगर वो तो प्लीज़ माफ़ कर देना यार, मैं अभी फर्स्ट टाइम टेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे भी आइडिया नहीं है। और हाँ, एक और रीज़न यार वीडियो ना डालने के इतने दिन हुए था कि मौसम बहुत प्यारा हो रखा है। और बस इसी को देखते देखते और एक आर्यन है अपना दोस्त, हम दोनों आके बैठ के GTA खेलते रहते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे बातें बातें करते रहते हैं, तो कुछ ज़्यादा बताने को भी है नहीं। ऐसे मौसम तुम्हें दिखा देता हूँ मैं। तो ये कुछ ऐसा सीन हो रखा है कि ये जो आपको ये मेरे फिंगर के साइड पे क्लाउड्स दिख रहे हैं, ये मैंने जब से मैं यहाँ रहना शुरू किया है बॉम्बे में मतलब हाइट पे, तब से मैंने ये मतलब एक्सपीरियंस किया है कि जब बारिश आनी होती है ना आपको दूर से दिख जाता है। अब ये क्लाउड्स मेरे को दूर से दिख रहे हैं, धीरे 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 अपनी तरफ आ रहे हैं, तो जैसे ही आएंगे तो बहुत ऐसा तेज़ बारिश आ जाएगी। बस ये सब नोटिस करता रहता हूँ मैं आजकल। बाकी यहाँ पे किधर 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 वहाँ कुछ तो आग वाग लग गई है, तो ये सब चलता रहता भाई, यही सब करते रहते हैं। बोल दिया है जो भी है यार छोड़ो, तुम अपने काम पे अपना मस्ती मारो यार, अभी तो घर पे बैठे हो, मस्त मौसम हो रखा है, एंजॉय करो, चिल करो। ओह माय गॉड, वाओ। और हाँ, मैंने सिर्फ ये
क्या बोलते हैं, GTA 5 का ही नया एडिक्शन नहीं है मेरे को, एक बहुत प्यारा जो एक नया शौक मैंने पाला है वो ये है। मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ, एक मिनट ऐसे तुम्हें कैसे दिखेगी, जो भी है। इस बुक का नाम है द वाइट टाइगर बाय अरविंद अदिगा, और इस बुक को प्राइज़ वगैरह भी मिल रखे हैं वो बाद में। अभी मैंने शुरू किया पढ़नी, मतलब ऑलमोस्ट 60-70 पेजेस पढ़ लिए हैं मैंने, कल परसों रात को शुरू की थी। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, तो मैं कहा चलो बता देते हैं। तो भाई सिर्फ यही, ऐसा टाइम पास नहीं कर रहा हूँ गेम्स खेल के, थोड़ा काम वाम भी कर रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ। और बुक्स पढ़ना आपकी लाइफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये मेरे को भी बहुत लोग बता चुके हैं, बहुत बार बता चुके हैं। कभी ऐसा मेरे को ना मोटिवेशन नहीं मिली कि यार पढ़ लेता हूँ। हाँ मैंने एक बुक पढ़ी थी, रिच डैड पुअर डैड, वो मेरे को बहुत मतलब बढ़िया लगी थी, और वो मेरी ऑलमोस्ट ऐसा फर्स्ट फर्स्ट बुक थी जो मैंने कंप्लीट पढ़ी थी। उससे पहले तो हॉस्टल में कहाँ चेतन भगत वगैरह ये सब था। तो हाँ ये बहुत मतलब बढ़िया बुक है, अभी पढ़ रहा हूँ, बस यही है। और अब मेरे को नीचे जाना है थोड़ा सा सामान वामान लेने के लिए, और बारिश बहुत ज़्यादा हो तो मुझे ऐसा पुल ऐसा बंद करके जाना पड़ेगा। और ये रेनकोट है DD का, मेरे दोस्त का, मेरे घर पे रह गया, कोई ना, हम इसको पुल यूज़ कर रहे हैं। और आपसे मिलते हैं कल परसों कभी भी, जब टाइम लगा नया वीडियो बनाने का और कुछ हुआ खास बताने को। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ करके जाना, प्लीज़ करके जाना, प्लीज़ करके जाना। बाय।